श्रम समाज और मानव कल्याण में पर्यावरण संरक्षण शिक्षण, बहुत सारे प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में और सामान्य परीक्षाओं में पर्यावरण के प्रश्न आते हैं, और उन प्रश्नों में घुमा फिराकर ये बात शामिल होती है कि मानवीय भूमिका क्या है। मानव अपने संरक्षण के लिए पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार कर रहा है, कैसे करना चाहिए, और किस प्रकार ये पर्यावरण संतुलित होगा। थोड़े से प्रयास से हमारा जीवन सफल, सुफल और संरक्षित होगा। इसके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि संरक्षण में मानवीय भूमिका क्या क्या हो सकती है। तो मानवीय भूमिका ये हो सकती है कि हम सबसे पहले ये समझना शुरू कर दें कि हम एक जीव हैं, हम यहाँ आए हैं, हमारा दो ही मुख्य लक्षण है, एक तो फीडिंग है, दूसरा ब्रीडिंग है, और ये सफलतापूर्वक हो इसके लिए हमें प्रयास कररत रहना चाहिए। हमारा पर्यावास इसी बात के लिए सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए, और हमें इस पर्यावरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जल और वायु की समस्या को संरक्षित, सन्निहित और आत्मसात करना चाहिए, और इसके लिए हमें पेड़ पौधों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे जीवन के सहभागी हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, इन्हीं के कारण ये मानवता सुरक्षित और संरक्षित है, संवर्धित है, और ये पेड़ पौधे अगर समाप्त हो गए तो चाहे हम कितना भी बड़ा घोटाला क्यों न कर लें, आज नहीं तो कल हमको तो जाना ही जाना है। इसीलिए पर्यावरण शिक्षण में मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न का, जहाँ कहीं भी ये प्रश्न आता है, उसका वह एक कोणीय है किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण हो और क्या किया जाना चाहिए। तो अपने आप पर सबसे अधिक नियंत्रण किया जाना चाहिए। जब हम अपने आप पर नियंत्रण करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा।